ज्यादा तेजी में चलना आ रहा देखो। अरे मेरा भाई, भाई है मेरा, वो तो बेवकूफ है, तू भी बेवकूफ हो गया क्या? वो तो बच्चा है, उसको क्या बोलूं मैं? बट फेरी के लिए दिक्कत है। ओ भाई, ओ ओ गिर गया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो भाई एक और नए वीडियो के साथ आपके साथ आ चुका हूँ, ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही खास जगह। हो सकता है आप में से बहुत लोग इस जगह के बारे में जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आज जरूर जान जाओगे, ठीक है। तो आज हमारी बाइक्स लाइन अप हो चुके हैं, आप देख सकते हो हमारी बाइक्स। आज बहुत ज़्यादा बंदे जाने वाले हैं भाई। तो आज है हमारे साथ MT अपाचे एज यूजुअल विशाल की, और मेरी मॉन्स्टर MT, और एक और R15 4, मेरी V3 है, उसकी V4 है। आज मेरा भाई जा रहा है साथ में, अजय नहीं आ रहा, ठीक है। तो अजय नहीं आ रहा तो मैंने बोला भाई अपनी बाइक दे दे, हम लोग चलते हैं। तो भाई हमारे तो लाइनअप हो चुका है, यहाँ से निकलते हैं, फ्यूल अप कराएंगे। पहले तो एज यूजुअल फ्यूल अप बहुत ज़रूरी है, फ्यूल अप कराते हैं और वहाँ से सीधा गोली। तो चलो आज फुल मज़ा आने वाला है गाइस, तो व्लॉग को पूरा देखना, ठीक है। आज कोई लाइक नहीं, कोई सब्सक्राइब नहीं, कोई कुछ नहीं बोलने वाला मैं पूरे व्लॉग में। आज बस आपसे यही चाहता हूँ कि आप बस पूरा वीडियो देखो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना डिसलाइक मार के चले जाना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से पेट्रोल डलवा चुके हैं, लाइन अप लग चुका है, अब रेस होगी स्टार्ट। चलो 42 मिनट्स रह रहे हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी बेसिकली हम जा रहे हैं पानीकोट लेक। बहुत लोगों ने इस जगह के बारे में सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना, भाई आपको आज वहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। इतना प्यारा नज़ारा है ना वहाँ पे, हिल स्टेशन से कम नहीं है गाइज, लिटरली बता रहा हूँ, हिल स्टेशन से कम नहीं है। तो आज अंकित भी आया है, अंकित मेरा भाई है, देख लो R15 जो चला रहा है V4, तो ये आया हुआ है हमारे साथ राइड पे। एडी भी आ गया, एडी ने लेट कर दिया आज थोड़ा सा, लेकिन सही है, आज मज़ा आएगा, फुल ग्रुप राइड, फुल हवाबाजी। और वैसे बता दूँ आज संडे है, सॉरी गाइज, थोड़ा सा ना अभी इनएक्टिव चल रहा हूँ, ज़्यादा वीडियोस नहीं आ पा रही, उसके लिए आई एम सॉरी, और इसने पूरा ख़राब कर दिया होगा बस। बट मैं कह रहा था सॉरी, क्योंकि अभी थोड़ा इनएक्टिव चल रहा हूँ, अच्छे से वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट पूरी कोशिश है कि पूरा लगा रहूँ, आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ निकाल के दूँ। मेरा 360 आज मेरा साथ नहीं देने वाला भाई, इसे ना अभी मैं थोड़ा पीछे लगा लेता हूँ, क्योंकि ये ना बार बार ऐसे डाउन हो जा रहा है, और इसकी वजह से पूरा शीशा भी मुड़ जा रहा है, तो इसे मैं पीछे लगा लेता हूँ अभी, आगे टोल पे रुकेंगे एंड देन मैं इसे पीछे लगा लूँगा। नौटंकियाँ चालू हो गई है इसकी, नौटंकियाँ चालू। तो भाई अपना 360 पीछे सेट कर दिया है, अपनी मॉन्स्टर रेडी है, और चलो भाई, ओ निकल रहे निकल रहे, चलो। तो गाइज अभी हम हैं बडकल वाले रोड के पास, ठीक है, और यहाँ से अभी लेफ्ट लेना है, मैं आप तो यही दिखा रहा हूँ, हाँ ये वाला। तो यहाँ से अभी हमें लगेगा 29 मिनट्स 29 मिनट, 16 किलोमीटर रह रहे हैं, तो अभी आराम आराम से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ के रोड्स थोड़े ख़राब है यार, और ऊपर से मेरा जो 360 मैंने लगाया है ना, वो सही से प्रॉपर सेट नहीं है यार। कैमरा क्यों लगेगा, आगे लगा रहा हूँ ना। अच्छा आगे, हाँ देख लो भाई, इतनी केयर करनी पड़ती है इसकी, क्या ही बोले। अभी ये पीछे ना पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा था, अंकित ने अभी साफ कर दिया इसे। घर जाएंगे बेटा, हाँ घर चला जाएंगे, पता नहीं किसी का तो जाएंगे जाएंगे। ये क्या था, ज्यादा तेजी में चलना आ रहा है देखो। अरे मेरा भाई, भाई है मेरा, वो तो बेवकूफ है, तू भी बेवकूफ हो गया क्या? वो तो बच्चा है, उसको क्या बोलूं मैं? अभी मार देता, लिपट जाता तू यही। ये नहीं बढ़ाया इसने, वो तो बढ़ा ले देता, मगर इसकी वजह से वो भी रुक गया, होपलेस हो गया।
चले अभी जरा इसे सिखाऊं। देखना कैसे कट मार रहा है ये। थोड़ा आराम से चल, अभी तेरे वजह से वो निपट जाता। तूने तो काट ली, वो बिल्कुल घुस जाता उस वैन में। आराम से चल, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ओए आराम से चलो रे। नब्बे सौ बस, उससे ज्यादा नहीं। इधर आओ सारे। नब्बे सौ, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? वो तेजी में भगा रहा है, ये भी तेजी में भगा रहा है। वो तो निकल गया, ये घुस जाता इसमें वैन में। वो तो भाई इसने ब्रेक मार ली बहुत तगड़ी, नहीं तो निपट जाता सही में। गाइस इसीलिए बोलते थोड़ा सेफ चला करो यार। स्पीड में तो मैं भी बहुत तगड़ी चला लेता हूँ। इसकी हाईएस्ट स्पीड 155 है, पता होगा आप लोगों को। मैं 150 टच कर चुका हूँ इस पे। ये क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं चला पाएगा है? तेरी फट रही है। ओ भाई राइडर की फट गई भाई, राहुल की फट गई। ओए होए भाई, अबे वो नहीं चला पाएगा, वो बेकार है। नहीं 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 अबे भाई बेकार है। अबे मैंने चलाई है, मैं नहीं चला पा, अच्छे अच्छे नहीं चला पाते भाई से। इसका आगे का जो ब्रेक है ना वो बेकार है, खराब है। हाँ एडी चाहे बोना ही क्यों ना हो भाई, लेकिन कसम से भाई पिछले ब्लॉग में देखा था ना गाइस, ब्लॉग ऊपर वाले को याद करते हुए चलो। तो भाई चलो 10 मिनट रह गए, आ जाओ आ जाओ। तो गाइस यहाँ से निकल रहे हैं, और सही बात है यार, एडी चाहे कैसा भी हो, बोना हो चाहे नाटा हो, लेकिन भाई हिम्मत है बंदे में यार। मतलब वो अपनी केटीएम सही चला लेता और हम उसकी केटीएम बिल्कुल नहीं चला पाते। कोई भी मतलब हमारे ग्रुप में ना कोई सा भी बंदा हो, वो उसकी केटीएम चला ही नहीं पाता है भाई, बिल्कुल नहीं। मतलब हमारी इतनी फटती है ना भाई इसके केटीएम से, क्योंकि इसका अगला जो ब्रेक है ना वो लिटरली गया गुजरा है भाई। अगर तुमने गलती से मार दी तो सीधा तुम चले जाओगे आगे, और एडी हमेशा पीछे का ब्रेक यूज करता, आगे का नहीं करता। तो ये सीन है, इसीलिए वो चला लेता है। बट हम लोग यार नौसिखिए हैं भाई, उसके में अगर मार दिया ना आगे का तो निपट जाएंगे। तो ये सीन है। तो भाई यहाँ से चल रहे, 9 मिनट बच रहा है बस, 9 मिनट। तो गाइस विशाल की बाइक खराब हो गई, बीच में दम तोड़ दिया बेचारी ने। अब ऐसी खटारा रखेगा तो यही होगा ना। ओए ओए आराम से आराम से आराम से भाई, मेरे को क्यों मार रहा है, उधर लेके जा। तो कोई नहीं यार, मैंने तेरे को बोला था रात में ही, हम यही डिसाइड कर रहे थे कि तू R15 लेके आ जाता यार। ठीक नहीं है, जंप स्टार्ट करके देख। चलो यार भाई, ये नहीं होगी, मतलब स्टार्ट हो जाएगी वो बाइक को लेके चली जाएगी, इधर धक्का मारने का है। हाँ रोड पे धक्का मारो, उधर नहीं, इधर लो, इधर 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 की साइड ले अंकित। गाइस धोखा दे दिया यार बाइक ने। हाँ है, बैटरी खत्म हो गई, फिर बाद में कैसे चलेगी बैटरी, क्या बाद में कैसे चलेगी जैसे अभी चल रही है। हाँ देख लाइट तो जली जाएगी,
एक बार ऑन तो होने दे, एक बार ऑन हो गया तो हम मैकेनिक तक जा सकते हैं ना। पहले यार तो खड़ी करके वहां चल ले, जहां जाना था। हाँ वो तो बगल में ही है, इसे यहीं खड़ी कर देंगे, क्या दिक्कत है। और क्या, यहाँ पार्क करा देंगे कहीं। न्यूट्रल पहले नहीं, अरे इसका हैजार्ड का लाइट ही खींच देना। नहीं 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 अभी मत कर, पागल हो गए क्या? हजार से क्या मतलब है ब्रो, एक बार ऑन तो होने दे, एक बार ऑन होने दे ना, क्या पता बैटरी चार्ज भी ले ले। ऑन ही रखियो फिर, बाइक को ऑन ही रखियो ना पूरा। गाइस कोई ना कोई ट्रिप पे ड्रामा हो जाए ना तो फिर बहुत गंदा लगता है भाई। सबने अपनी अपनी बाइक इधर उधर लगा रखी है। अबे यार अब चालू रहेगा, अब वो चालू रहेगा, इंजन ऑन रखियो एनी टाइम। और सुन ये इंजन अभी एनी टाइम ऑन रहेगा, ठीक है। पेट्रोल पिए कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल डला लेंगे, लेकिन इंजन ऑन रहेगा। न्यूट्रल करके इंजन ऑन रखियो एनी टाइम। तेल फूक, हाँ तो तेल फूकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस धक्का मार के स्टार्ट हो गया। अंकित का आइडिया काम आया, धक्का मार दिया, चालू हो गया। चलो भाई तो गाइस वो चालू कर दी फाइनली उसकी बाइक, और अब ना मस्त निकल रहे हैं यहाँ से। और इसका ना अभी एनी टाइम बाइक को ऑन ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। पता चला पहाड़ पे गए और इसकी बाइक बंद हो गई, तो भाई वहाँ तो धक्का भी नहीं लगा सकते, धक्का लगाएंगे तो सीधा नीचे। चलो चलो, ओए होए होए, ओए होए होए, ओए इधर से, ओए इधर से, इधर से। अच्छा ठीक है काकी, इधर से बढ़िया रास्ता है। देखा काकी ने बता दिया हमें कि इधर से जाओ, इधर से रास्ता अच्छा है, आराम से। ऑलमोस्ट एक मिनट गाइस, ये देखो पहाड़ आ चुकी है और जा रहे लेक के पास। अबे कहाँ कहाँ जा रहा है। ओ भाई जंगल के बीच ऐसे जा रहे गाइस। चलो 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 चलो, पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। ओ भाई ओए कहा, ओए साले नीचे पानी में मत चला जियो, ऊपर से ऊपर से। अंकल नीचे से ऊपर से, ऊपर से नहीं है नीचे से, वो नदी के पास जाना है। ठीक है अंकल नीचे से चलो, आराम आराम से चलो, आराम आराम से। अंकल भी कह रहा है आराम आराम से चलना। तो गाइस थोड़ा सा रास्ता बेकार है, लेकिन आराम आराम से चलना है सबको, ठीक है। शीशे बंद कर लो भाई, क्या हुआ है वापस घुमाओ घुमाओ घुमाओ, फंस गए फंस गए फंस गए भाई फंस गए, रुक जाओ गाइस रुक जाओ। अरुण भाई फंस गए, फंस गई भाई फंस गई, सारी बाइकें फंस गई। अबे भाई ओए अपाचे मत बंद करियो, जा रहे सही है, ओए सही है, चलो बच गए आ जाओ ओए, सही है रास्ता सही है। अबे अंकित ने पूरा बंद ही कर लिया भाई, लेकिन थोड़ा सा खतरनाक है रास्ता फेरी बाइक्स के लिए। नेकेड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फेरी के लिए दिक्कत है। ओ भाई ओ गिर गया राहुल, लगी तो नहीं, उठा 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 भाई, तुम हम यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं हम, है ना सबसे बेस्ट। हाँ ना वो जीटी कॉन्टिनेंटल वाला, हाँ 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 हाँ
गियर लग नहीं रहा। ले भाई एक और दिक्कत हो गई, एक बार वो कर, गियर डालियो। हाँ लग रही है, चल ओ भाई जा पाएगी नहीं जा पाएगी। जाएगी चली जाएगी मेरी चली जाएगी। आ जा यार तू आगे चल, तू हमें रास्ता दिखाइयो। गाइस ये देख रहे हो कहाँ फंस गए हम। यहाँ पे ना कांटे लग रहे हैं। ओ भाई कहाँ जा रहे हैं हम। भाई आज क्यों लग रहा है कि हम बहुत गलत जा रहे हैं। ओए जइयो भाई जरा बचा उसे, बचा बचा। अरे यार राहुल आजा भाई, भाई मेरे पास रहना ठीक है, मेरे को निकलवाना पहले। तू एक काम कर, तू इस साइड आजा। भाई अब बताओ भाई, इतनी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, अब समझ में आया आप लोगों को हम लोगों की कितनी फटती है या कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप लोग सिर्फ देख रहे हो लेकिन हम उसे फील कर रहे हैं, इसे कहते हैं एडवेंचर। अब एडवेंचर के चक्कर में हमारे बाइक्स में भी चोटें लगती हैं, हमें भी चोटें लगती हैं, और इसका क्या मिलता है हमें, बहुत मज़ा। इसका हमें क्या मिलता है, कुछ नहीं, सिर्फ 200 व्यूज। देखा तो ये है सच्चाई मोटो ब्लॉगर्स की, जो बेचारे नए नए स्टार्ट करते हैं उनकी लाइफ ये है। वहाँ चल सकते हैं यार, मेरे को तो यही सही स्पॉट लग रहा है। चलो मैंने फोटो देखी थी बंदे बीच में। हाँ हाँ आ जाओ। अबे यार आज का दिन मनहूस लग रहा है मुझे, सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं रात में कह तो रहा था यार है हम जा, पता नहीं अजीब सी वाइब आ रही थी। हाँ। मैंने बोला तो बोलने का था ना राजू। गाना का था बोलने का था ना। अब बता कौन कौन उसे पोछ दे कमरे भाई। मैं मेरा मेरे को मत बोल साले, दिमाग खराब। ओए दो बाइक यहीं रहने दो थोड़ी देर, ठीक है रुक जाओ यार। इसका देखियो पूरा गीला हो गया ये, और कितना गड्ढा था ये, बहुत ज्यादा गहरा था भाई। भाई नहीं भाई यही ठीक है, यही स्पॉट बहुत है, यही रख दो। सो गाइज ये कुछ हमारे भाई लोग मिल चुके हैं यहाँ पे, बहुत हेल्प करी भाई यहाँ पे, मतलब ये देखो अंकित को, अंकित भी पानी में गिर गया है। मेरे साथ कांड हुआ, मेरा हेलमेट गिर गया। विशाल बचा हुआ, विशाल नहीं, विशाल की बाइक गई, विशाल की बाइक चली गई, राहुल गिर गया, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बोना साला बचा हुआ है भाई। ओ नहीं नहीं भाई, लेकिन अबे विजय भी बचा हुआ है, विजय भी बचा हुआ अभी है। अच्छा हाँ विजय, हाँ विजय कैसे भूल गया यार, विजय भी बचा बाइक से। ओ भाई कसम से गाइस आज ना बहुत गंदे, आज बहुत गंदा गंदा सीन होते होते बचा है गाइस बहुत ज्यादा। और अंकित का देखो पूरा पूरा पैंट शर्ट टी शर्ट सब गीला हो गया भाई, फोन वोन सब गीला हो गया।
क्या ही बोले भाई, आज का दिन पता नहीं क्या क्या सोच के आए थे घर से, लेकिन चलो कोई नहीं, जो भी है एडवेंचर है गाइस, मजा तो आता है। यहाँ के वादियों के मजे लो आप, ये देखो क्या मस्त लग रहा है यहाँ पे। अभी हुआ है मेरा, पता है स्टार्टिंग में सुबह घर से निकला था मैं, हाँ भाई साहब मैं ये लगा रहे थे, स्ट्रीट पुलिस वाले आ गए थे पीछे से तो मैं भगा रहा था भाई, मुझे क्या पता गाय का झुंड खड़ा वहाँ पे कट पे ही, हाँ खेची भाई साहब सीधा गाय में अंदर घुसे, बच गया मेरे। सो गाइज़ यहाँ से अब यहाँ को करते हैं अलविदा, ठीक है यहाँ से अब निकल रहे हैं, सब रेडी हो चुके हैं, बहुत मज़ा आया, सही मज़े आए, ठीक है पूरा व्यू ले चुके हैं, देख चुके हो आप लोग कितना बढ़िया लोकेशन था ये, बस ये थोड़ा सा ख़तरनाक है क्योंकि यहाँ पे जो ऑफ रोड है, जो एडवेंचर है ना, वो थोड़ा सा बेकार है, क्योंकि अगर आप इधर से ज़रा सा भी इधर उधर हुए तो सीधा या तो पानी में जाओगे या तो खाई में जाओगे, ठीक है तो यहाँ से अब निकलते हैं। ओए रास्ता नहीं पता, इधर से मैप भी नहीं काम कर रहा, मैप काम नहीं कर रहा है, रास्ता भी नहीं पता है, चलो रास्ता नहीं पता, मैप भी काम नहीं कर रहा, मैप काम नहीं कर रहा, सो गाइस आप देख सकते हो आज का तो बहुत ही गंदा सीन हो गया, एक तो बाइक ख़राब हो गई है, उसे धक्का मार मार के स्टार्ट करना पड़ रहा है बीच बीच में, और ये कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया भाई, कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया, बट सही है कोई नहीं। वो पत्थरों पे देख के चलो, निशान बने हुए हैं, किधर से जाना है, यहाँ पे देख रहे हो यही सब चीज़ें हैं, इसमें ना थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा सा भी इधर उधर फिसला तो ये देखो खाई, राम राम से चल, आराम आराम से चल, मज़ा बहुत आया, लेकिन ये गाइस सच्ची बताऊँ तो मज़ा तो बहुत आया, एडवेंचर का अपना अलग फन है, ऊपर से इन सब बाइकों के साथ यार करना थोड़ा सा हो जाता है, क्या ही बोले, ये सब बाइक जो है ना ये सब स्पोर्ट्स बाइक है, ये सब इसके लिए नहीं बनी, एडवेंचर के लिए अगर देखा जाए तो, बट अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास स्प्लेंडर पड़ी है, अब बोलोगे तो स्प्लेंडर से ब्लॉग बना लूँगा मैं, लेकिन मैंने बोला लंबे ट्रिप के लिए यार स्प्लेंडर सही नहीं है ना, मज़ा नहीं आता उस पर उतना, ना पिकअप है ना स्पीड है, तो इस वजह से मैं ये बाइक पर ज़्यादा टूर मारता हूँ, बाकी चलो बस एक बार ना हम रोड पे आ जाए, मेन रोड पे, क्योंकि हम में से किसी ने ये जगह पहले कभी देखी नहीं थी, ये पहली बार है जो हम यहाँ से आए हैं और आपको दिखा रहे हैं, अब बहुत बंदों ने बनाया होगा, बहुत बंदों ने पहले आके वीडियो बनाई होगी नो डाउट, बट मैंने तो पहली बार किया है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अगर आप में से किसी को पता हो ये रास्ता या ये जगह के बारे में तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको पता था या नहीं पता था, और अगर आप यहाँ का ट्रिप करोगे तो कौन सी बाइक से करोगे वो भी कमेंट में बताना। तो गाइस पहाड़ से तो उतर गए और गांव में आ चुके हैं, गांव के रास्ते पे आ चुके हैं अब, तो यहाँ से अब सीधा एग्जिट मारेंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है तो चलते हैं अपने अपने घर की तरफ, अगर अच्छा लगा हो, अगर मजा आया हो, ओ वाओ वाओ वाओ, रुको ओए चुप, ओए बंद कर इसे, बंद कर बंद कर बंद कर, आवाज बंद कर, मोर है,
गाइस ये देखो गाइस देखा ओ वाओ यार कितना प्यारा लग रहा है। चलो निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस अगर आपको पसंद आया हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है। इतनी मेहनत करिए गाइस, थोड़ा तो सपोर्ट बनता है ना। तो चलो भाई इसी के साथ अलविदा, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखना, ठीक है। तो हम भी अपना ख्याल रखेंगे, आप भी अपना ख्याल रखो, और मिलेंगे कोई नए व्लॉग में किसी नए जगह पे, ठीक है। तो चलो भाई बाय बाय।